अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं और ये जो तस्वीर देख रहे हैं किशनगंज काली मंदिर की ये सीधी तस्वीरें हैं बिहार में, जहां पूजा अर्चना कर रहे हैं अमित शाह। उनकी मौजूदगी बूढ़ी काली माता मंदिर में गृहमंत्री अमित शाह, और इसके बाद से फिर बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर हैं और शुक्रवार को सीमांचल पहुंचे और आज शनिवार गृहमंत्री किशनगंज में, जहां बूढ़ी काली मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं अमित शाह। दिन की शुरुआत काली माता मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना के साथ, अब इसके बाद से बैठकों का दौर शुरू होगा। काफी महत्वपूर्ण है अमित शाह का यह दौरा, 2 दिवसीय दौरे पर हैं बिहार के, और खासकर सीमांचल के लिहाज से अगर बात कर लें, किशनगंज के एसएसबी कैंप भी पहुंचने वाले हैं अमित शाह। कल पूर्णिया में पहुंचे हुए थे, जनसभा को भी संबोधित किया, और आने वाले वक्त में चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, इसी के साथ शंखनाद भी। और इसके बाद आपको बता दें बहुत सारे कार्यक्रम हैं जहां पर शिरकत करने वाले हैं अमित शाह। बीओपी फतेहपुर का भी दौरा करेंगे, बीओपी भवनों का उद्घाटन भी करने वाले हैं। वही अमित शाह आपको बता दें बीएसएफ एसएसबी आईटीबीपी अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा पर भी बैठक करेंगे। और इसके अलावा आप देख रहे हैं ये जो तस्वीरें विधिवत पूजा अर्चना की बूढ़ी काली माता मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। रोहित सिंह का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता जुड़े हुए फोन लाइन पर। रोहित, अमित शाह की मौजूदगी सीमांचल के अंदर बहुत मायने रखती है, क्या कुछ और कार्यक्रम है, आगे की तस्वीर क्या है? देखिए, ये सीमांचल का जो अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा है, आज उसका दूसरा दिन है और दूसरे दिन की उन्होंने शुरुआत की है किशनगंज से। किशनगंज में स्थित बूढ़ी काली मंदिर है, तकरीबन 120 साल पुराना ये मंदिर, काफी प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर पूजा अर्चना करने से आज की दिन की शुरुआत हुई है और आप इस वक्त तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं कि इस वक्त विशेष पूजा अर्चना अमित शाह यहाँ पर कर रहे हैं। मंदिर के अंदर बूढ़ी काली मंदिर है और बीजेपी के जो तमाम नेता हैं बिहार के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में बीजेपी की क्या तैयारी रहेगी, इसका शंखनाद अमित शाह ने कल ही पूर्णिया की रैली में कर दिया था, जब उन्होंने ऐलान किया था कि एक आधिकारिक तौर से शंखनाद है चुनाव का बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर। और आज की अगर बात करें तो ये विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और इसके सियासी मायने दरअसल इसलिए भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि किशनगंज दरअसल देखिए एक मुस्लिम बहुल जिला है, तकरीबन 70% आबादी यहाँ पर मुसलमानों की है, और ऐसे में जब अमित शाह मंदिर आते हैं, माँ काली के मंदिर आकर विशेष पूजा अर्चना करते हैं, तो इसके सियासी मायने भी जो है वो निकाले जाएंगे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अमित शाह का फोकस जो है बिहार में वो सीमांचल का क्षेत्र रहने वाला है, जो कि एक मुस्लिम बहुल इलाका है, और तो बीजेपी की कोशिश ये है कि किस तरीके से 2024 में यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो मुस्लिम मतदाता है उन पर जो है उनको अपनी तरफ किया जाए ताकि बीजेपी बिहार में जो है अच्छा प्रदर्शन कर सके। रोहित, साथ ही मंदिर में पूजा अर्चना के बाद आगे का कार्यक्रम क्या है अमित शाह? देखिए, यहाँ पूजा अर्चना समाप्त करने के बाद यहाँ हेलीकॉप्टर से हम भारत नेपाल सीमा पर जाएंगे, जहाँ पर एसएसबी कैंप में उनका तकरीबन 2.5 घंटे का एक कार्यक्रम है, वहाँ काफी सारे के बैठक करने हैं उन्हें, काफी सारे जो है वह उद्घाटन का कार्यक्रम भी रखा गया है एसएसबी के कैंप में, तो वहाँ पर एक कार्यक्रम है। उसके बाद वापस जब वो किशनगंज जाएंगे तो उसके बाद बीजेपी की फिर मैराथन मीटिंग चलेंगी और तकरीबन 5 बजे तक जो है 3 से 5 बजे तक बैठकों का दौर चलेगा बीजेपी के नेताओं के साथ जो है, और उसके बाद तकरीबन 5 बजे वो वापस यहाँ से पूर्णिया आएंगे और फिर पूर्णिया से वापस उनकी दिल्ली रवानगी होगी।